लवीना जी बताइए कि क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत है आपकी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की फैमिली से? वेल देखिए, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो डिस्प्यूट हुआ था वो 2016 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी। जो सुमित सबरवाल मेरे हस्बैंड है, मैंने देखा कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उनकी उनके फ़ोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है, वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियाँ सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने डिवोर्स फाइल किया है। और ये बात की जानकारी मैंने महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल को भी दी और महेश भट्ट को भी दी और मुकेश भट्ट को भी दी। तो ये सब ऑलरेडी ये बात जानते थे। तो जब मैं महेश भट्ट के ऑफिस में गई ये बात बताने, तो महेश भट्ट मुझ पे चिल्लाने लगे। पहले तो उन्होंने बोला मुझे कि ओ बेटा बेटा आओ आओ कैबिन पे आओ, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे मुझे बोलकर कैबिन में अंदर बुलाया। और फिर वो मैंने उनको बताया कि सुमित ड्रग्स करता है, सुमित लड़कियां सप्लाई करता है, ही इज़ इनटू प्रोस्टिट्यूशन, मैंने सब बताया था, ही इज़ वुमेनाइजिंग। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, वो मुझ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो भी करता है तू बीच में मत आ, ये सब के बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद वो मुझे ज़ोर ज़ोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। वहाँ पे कुमकुम सहगल जो महेश भट्ट की बहन, वो भी बैठी थी, मुकेश भट्ट भी बैठा था और सुमित सबरवाल वो भी बैठे थे। तो ये हुआ और फिर मैं रोते रोते निकल गई और मैंने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस भी मेरा कंप्लेन लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने उनको कितना रिक्वेस्ट करके, मैं तभी के तभी पुलिस लेकर विशेष फिल्म्स गई और वहाँ पे पुलिस मेरे साथ आए, पूरा इंक्वायरी हुआ और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप सीसीटीवी चेक कीजिए, इन्होंने कैसे मुझे धमकाया है, जबकि मुझे पता है मैं फैमिली रह चुकी हूँ उनकी, मुझे पता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस मुझे कहता वहाँ मैडम सीसीटीवी है ही नहीं, तो हम फुटेज कहाँ से निकालें, ये मुझे पुलिस कहता है, जबकि मुझे पता है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ है। एनीवेज, उसके बाद 2016 में जो भी प्रोटोकॉल्स थे, मैंने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया, लीगली हर कोर्ट में केस फाइल किया है, मेरे एटलीस्ट 5 कोर्ट में केस चल रहे हैं, मैंने वो किया, मैंने FIR किया। FIR भी बहुत मुश्किल से हुआ क्योंकि जब मैं गई थी तो उन्होंने लिया ही नहीं, पुलिस ने FIR लिया ही नहीं, फिर मेरी लॉयर की मदद से उन्होंने फाइनली FIR ले लिया। फिर मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया और 2016 से केस चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है। पहले तो ये, आप अगर इनके खिलाफ़ कुछ भी करो तो ये पीछे से आपका काम बंद कर देते हैं, सबको बोलते हैं इसको काम मत देना, ये उनकी पुरानी आदत है और ये मैंने देखा हुआ है। और इन्होंने ये बहुत लोगों के साथ किया है, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कंपोजर्स के साथ, आप और जो भी मैं बोल रही हूँ ड्रग्स वगैरह ये सब ने देखा हुआ है विशेष फिल्म में, ये हर एक आदमी को मालूम है कि उनकी कंपनी में ऊपर से नीचे तक लोग ड्रग्स करते, लेकिन कोई भी आगे आके बोलता नहीं है क्योंकि उनको ये डर है इफ़ दे स्टैंड अगेंस्ट महेश भट्ट तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनका जॉब चला जाएगा, तो ये लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं। इन्होंने मेरा जॉब ले लिया, फाइनेंशियली आपको तोड़ देते हैं फाइनेंशियल, फिर इन्होंने मुझ पर मेंटल प्रेशर क्रिएट किया, मेरे घर पर घुसने की कोशिश की, महेश भट्ट की बहन और पूरे बिल्डिंग वाले मेरे घर पे मुझे मारने आए थे, मुझे इतना परेशान कर रही है हर तरह से। फिर मेरा खाना रोक दिया इन्होंने, मेंटली मुझे इतना परेशान किया, मेरे बिल्डिंग में हर जो भी मेंबर्स हैं उन सब के घर पे खाना वॉचमैन रखने जाता है, मेरा नीचे से डिलीवरी बॉय को धमकाया जाता है, इसके घर में खाना दूध दवाई मेरे पेट का सामान कुछ भी यहाँ डिलीवर नहीं होगा, उसका मेरे पास प्रूफ है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे डाला है दूध वाले का, और मेरे पास वॉचमैन का कन्फेशन है जहाँ पे वॉचमैन ने ये बात बोली है कि मैडम सिर्फ आपके घर में सामान रखने को मना किया है, बाकी हम लोग सबके घर में सामान रखते। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे, मेरे पे सूट फाइल कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने सारे रिलेशन देखे हैं और मैं उनकी रिलेटिव हूँ ये मानकर कोर्ट ने वो घर जो करंटली मैं जिस घर में रह रही हूँ वो मेरा मैट्रिमोनियल घर है, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि मैं ही उस घर में रहूँगी और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा,
उसके बावजूद ये मुझे परेशान कर रहे हैं। और अभी हाल ही में महेश भट्ट की मुकेश और महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल और उनके बेटे ने मुझ पर सूट फाइल किया है मुझे घर से निकालने के लिए। क्यों भाई, आप 10 साल तक सो रहे थे, मैं 10 साल से उस घर पे रह रही हूँ, वो मेरे पति का घर है, आज आप आके बोल रहे हैं वो घर आपके बेटे का है। नहीं, ये सिर्फ मुझे हैरेस करना चाहते। अभी भी मुझ पर डिफेमेशन केस फाइल किया है। डिफेमेशन किस पे होता है, किस पे होता है डिफेमेशन, जो झूठ बोलता है। मैं तो फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं ट्रूथ बता रही हूँ, क्यों कर रहे हैं मेरे पे डिफेमेशन फाइल। हाँ, और मैं आपको, अगर आपको और भी जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी CBI, NCB, ED, ये सारे जो मुंबई पुलिस, ये सारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, अगर आपको जानना है ड्रग्स के बारे में। मैंने तो फिलहाल जो भी नाम आउट किए हैं वो मैंने देखा, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और आपको अगर ये जानना है तो प्लीज़ आप सुमित सबरवाल, जो मेरे हस्बैंड हैं, जो 20 साल से विशेष फिल्म में काम कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए, आप उनको क्वेश्चनिंग कीजिए, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। और आपको डर नहीं है ना, तो आप दिखाइए, आप सबका फ़ोन, महेश भट्ट से फ़ोन लीजिए, मुकेश भट्ट से फ़ोन लीजिए, इनके फाइनेंशियल स्टेटस चेक कीजिए, घर चेक कीजिए, इनकी कंपनी चेक कीजिए, इनकी हर एक चीज़ चेक कीजिए, बुलाइए ना इनको क्वेश्चनिंग के लिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, और वही मैं बता रही हूँ। आपने कहा कि पुलिस के बारे में, आपने कहा कि पुलिस ने FIR नहीं ली, क्या हुआ था, पुलिस ने क्या काम नहीं किया था, कौन सा पुलिस स्टेशन था, FIR जो आपने करवाया था, ये जो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के साथ आपने जो गाली गलौज हुई थी उसके बाद करवाया था, और क्या FIR में इन दोनों का भी नाम है? जी, मैंने FIR मुकेश भट्ट, महेश भट्ट सबके लिए बोला था, लेकिन मेरा स्टेटमेंट लिखा नहीं गया। आज मैं वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन है, आज मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ एक वॉचमैन के बारे में कंप्लेंट करने के लिए, कि वॉचमैन दादागिरी कर रहा है, मेरा सामान ऊपर नहीं भिजवाता है, वो मेरा कंप्लेंट नहीं लेते। मैं 100 डायल करती हूँ, मैंने 3 बार 100 डायल करके पुलिस वाले को बुलाया, उनका नाम मिस्टर सचिन वर्तक है, वो आकर मुझ पर चिल्लाते हैं, उन्होंने वॉचमैन को कुछ भी नहीं बोला। आपने जो कहा कि पहले FIR नहीं ले रहे थे, पर वकील ने जब इंटरफेयर किया तो आपका FIR हुआ, हम जानना चाहते हैं क्या उस FIR में आपने महेश भट्ट और मुकेश भट्ट का नाम भी दलवाया था? नहीं, वो नहीं ले रहे थे पुलिस, जो लॉयर ने, मैंने तो बोला था, मैंने स्टेटमेंट में बोला था मुकेश जी और महेश भट्ट का नाम, उन्होंने नहीं लिखा। मैंने आज वॉचमैन के लिए भी कंप्लेन लिखाया था, मैंने पुलिस वाले को बोला वॉचमैन दादागिरी करता है, वॉचमैन ऊपर आता है मेरे, वॉचमैन ने धमकी दी है दूध वाले को, बोला कि तुझे मारूंगा यहाँ आएगा, ऐसा मैंने बोला। पुलिस वाले ने क्या लिखा, क्या लिखा पुलिस वाले ने, पुलिस वाले ने ये लिखा कि बिल्डिंग में आना मना है, बिल्डिंग के रूल्स हैं कि सेक्रेटरी ने बैन किया हुआ है, ये मेरा स्टेटमेंट था ही नहीं। फिर उन्होंने पूरा पन्ना फाड़ दिया, मैंने पुलिस वाले को बोला आप मेरा स्टेटमेंट भी नहीं लिख रहे ठीक से, वो मेरा स्टेटमेंट लिख ही नहीं रहे, आपको क्यों लग रहा है कि आज मैं जनता के पास आई हूँ ताकि मेरी आवाज़ पहुँचे और जो मैं कहना चाहती हूँ वो सच मेरे जरिए डायरेक्ट जनता को पहुँचे, इसीलिए मैं आज बाहर आई हूँ, क्योंकि अथॉरिटीज सुन नहीं रही है। और फिर उसके बाद भी मैं DCP सर के पास गई, जो मिस्टर त्रिमुखे हैं उनके पास भी गई कंप्लेंट करने के लिए, और मैंने उनको बताया कि ये सब हो रहा है, मेरा खाना पीना बंद कर दिया है, मुझे ये टॉर्चर कर रहे हैं, मुझसे सेक्रेटरी बोलता है कि आप 10 बार नीचे आओ सामान लेने, 10 बार नीचे इसलिए आओ ताकि वो पीछे से घुस के मेरे घर का कब्जा ले सके, इसीलिए मुझे बुलाया जाता है 10 बार नीचे। ये बात मैंने DCP सर से कही, कोई एक्शन नहीं है। वो जो वॉचमैन मुझे परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, उन्होंने एक वॉचमैन को नहीं निकाला है, जो मेरी सेफ्टी का सवाल है। अगर एक औरत जाकर कंप्लेन करती है पुलिस स्टेशन में तो उसका एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये लोग बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे। FIR में सुमित सबरवाल का नाम है फिलहाल, और मैंने ये भी, जो महेश भट्ट की बहन है उनका भी नाम मैंने लिखवाया है, और साहिल सहगल का भी नाम है, जो महेश भट्ट की बहन के बेटे हैं। मैंने महेश भट्ट की बहन का नाम इसलिए लिखवाया है क्योंकि महेश भट्ट की बहन और सुमित सबरवाल ने मेरी 90 लाख की ज्वेलरी चुराई है। उन्होंने, उनका एक जॉइंट लॉकर है अलाहाबाद
जुहू बैंक में, जहाँ सुमित सबरवाल और कुमकुम सैगल ने मेरी ज्वेलरी रखी हुई थी। तो मैंने उस पुलिस को बताया कि वहाँ मेरी ज्वेलरी है। पुलिस 5 मई 2016 को वहाँ जाती है। महेश भट्ट की बहन कुमकुम सैगल और सुमित सबरवाल 4 मई को ऑपरेट करते हैं लॉकर और ज्वेलरी खाली कर देते हैं, और 5 मई को पुलिस जाती है और पुलिस बोलती है मैडम आपकी ज्वेलरी नहीं है वहाँ पर। तो कहाँ है मेरी ज्वेलरी? मैंने तो कंप्लेन लिखाई है ना अथॉरिटीज़ को, आज 4 साल हो गए मैंने कंप्लेन लिखाई है कि इन्होंने मेरी ज्वेलरी चुराई है, तो आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। और आप मुझसे मेरा घर लेना चाहते, जो मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है, मुझसे मेरी ज्वेलरी ले ली, मेरा पैसा ले लिया, मेरा जॉब ले लिया, मेरा घर ले लिया, मुझ पर डेफामेशन केस फाइल कर रहे हैं मेरी आवाज़ को दबाने के लिए। मुझे एकदम सांस लेने नहीं हो रहा है हर जगह से, इतना मुझे चोक कर दिया, इतना आइसोलेट कर दिया है। लगना जी, आखिरी बार आप महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से कब आपकी मुलाकात हुई थी? आखिरी बार मतलब कौन से ईयर में मुलाकात हुई थी और किस तरह का व्यवहार था उनका? वेल, 2010 से लेकर 2016 तक मैं इनकी फैमिली मेंबर थी और इनके हर पार्टीज, हर इवेंट्स, हर मेहंदी फंक्शन मैं थी। तो 2010 से लेकर 2015 तक मैं इनकी फैमिली मेंबर थी और इनके साथ मेरी मुलाकात लगातार होती रहती थी। और 2013 से 2015 में मैंने इनकी सारी फिल्मों में काम किया है एज अ फिल्म, आई वाज पार्ट ऑफ द फिल्म। तो मैंने इनको बहुत करीब से देखा है और लास्ट मेरी मुलाकात महेश जी और मुकेश जी से 2016 में हुई थी, और इन्होंने मुझे बहुत धमकाया और बहुत जलील किया जब मैं लास्ट महेश भट्ट से मिली थी। उसके बाद भी क्या कभी फोन पर धमकी दी आपको डायरेक्टली महेश भट्ट या मुकेश भट्ट ने 2016 के बाद? जी नहीं, उन्होंने फोन पे उसके बाद उन्होंने मुझ पे सूट फाइल किया है, बोगस सूट, मेरा घर छीनने के लिए, जबकि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये घर में मैं ही रहूंगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, सबसे पहले आप बता दो आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? जी, जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा कि महेश भट्ट जी और मुकेश भट्ट ने मुझ पर डिफेमेशन का केस फाइल किया है, तो वो आज 3 बजे कोर्ट में हियरिंग थी और मेरे लॉयर वहाँ गए थे। तो कोर्ट ने कहा, उन्होंने ये बोला था कि जो भी मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज़ किया है उसे वो डिलीट कर दे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फॉल्स एंड शी इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन कोर्ट का ये ऑर्डर आया है दैट शी विल नॉट डिलीट द वीडियोज़, और वीडियोज़ वहीं रहेंगे, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट। जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, और एंड आई स्टैंड बाई इट। जो भी स्टेटमेंट्स मेरे मुँह से जाएंगे आई स्टैंड बाई इट। सो दीज आर द फैक्ट्स, दिस इज द ट्रूथ।